नमस्ते ओम शांति। आप सबको स्वागत है आज के 271वें दिन के ईश्वरी वरदान में। परमपिता परमात्मा हमें सिखाते हैं कि जिस तरीके से हम अपने माता पिता की जो दी हुई प्रॉपर्टी है उसको घड़ी घड़ी याद करते हैं अपने आप को सुखी या खुश महसूस कराने के लिए, उसी तरीके से परमात्मा के द्वारा जो दी हुई प्रॉपर्टी है, जो कि खजाने हैं, ज्ञान के खजाने, गुणों के खजाने, उनको अगर हम याद करें दिन भर तो उससे मन की प्रॉपर्टी है, मन की शक्ति बढ़ती है। तो देखिए बाबा कहते क्या है इस वरदान में। बाबा कहते हैं, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान बाबा। तो परमात्मा ने शांति में कैसे रहे, मन में शांति कैसे रखें, मन में खुशी, मन में सुख, मन में आनंद कैसे रखें, लगातार हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, उसके लिए परमात्मा ने ज्ञान दिया हुआ है। उसको अगर हम मनन करेंगे, उन पॉइंट्स को, उन ज्ञान की पॉइंट्स को याद करेंगे जो कि सत्य ज्ञान है परमात्मा के द्वारा दिया हुआ, तो जाकर के हमारे अंदर बुद्धि में दिव्यता और शक्ति बढ़ेगी। तो देखें बाबा कहते क्या है। मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भवा। विस्तार में चलें, बाप द्वारा जो भी खजाना मिला है, क्या क्या मिलता है हमें परमात्मा के द्वारा, हमें खुशी, सुख, आनंद, प्रेम, शांति के पॉइंट्स मिलते हैं कि मन को कैसे स्थिर करें इन सब पॉइंट्स में, ताकि मन विचलित ना हो। उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिलती हुई है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। तो अगर जैसे बच्चा भी याद करता है कि मेरे पास में ये है प्रॉपर्टी है, परमा अपने पिता ने दी हुई है, लौकिक पिता की बात हो रही है, तो वो कभी भूलती नहीं है, कोई चीज़ रह नहीं जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर परमात्मा के दिए हुए ज्ञान के जो खजाने अगर वो याद करते रहे तो वो भूलेंगे नहीं, वो हमारे हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है ना, लौकिकता में होता ना, मेरे पिताजी तो ऐसे हैं, मेरे पिताजी ने ये बनाया, मेरे पिताजी ने ये घर किया, मेरे पिताजी ने ये लैंड खरीदा, मेरे पिताजी ने ये प्रॉपर्टी, मेरे पिताजी का ये बिजनेस है, वो है, तो ये याद करते हैं तो क्या होता है, अपनी घोड़ तो नशा चढ़ता है। यहाँ भी वही बात है, परमात्मा जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज़ उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। कोई भी बात है, कोई भी उलझने आकर्षित नहीं कर सकती। उनको पता है हर चीज़ समय के अनुसार सब सॉल्व होनी ही है, सब चीज़ों का निवारण समय अनुसार आना है। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है, तो उस सिचुएशन को फेस करने के लिए टेंशन में, स्ट्रेस में नहीं रहते। उन्हें उस समय के लिए दिव्य बुद्धि का वरदान सदा के लिए मिल जाता है, स्वतः मिल जाता है। मतलब वो हर समय में दिव्यता के द्वारा हर कार्य को करते हैं और हर परिस्थिति को फेस करते हैं। तो अब ये कौन कौन से पॉइंट्स है, क्या क्या पॉइंट्स है जो कि परमपिता परमात्मा सिखाते हैं, वो आप हर दिन मुरली में सीख सकते हैं, जिसके द्वारा मन के अंदर शक्ति बढ़ती है। तो मन का मक्खन है ये ज्ञान, जिसको कि शक्ति मिलती है। जैसे शरीर के लिए तो हम मक्खन खाते हैं शक्ति के लिए, वैसे ये ज्ञान जो है मन का मक्खन है। इसको खाना कैसे है, पचाना कैसे, वो सबको सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, जहाँ पे आप सबको निमंत्रण है, आप आइएगा, वहाँ जा कर के सीखेगा इस ज्ञान को। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। ओम शांति।